ओके तो भाई फाइनली अब रेसलमेनिया 40 होने में सिर्फ और सिर्फ भाई अब 9 दिन बचा हुआ है और रोमन रेंस भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर टाइटल को हारने वाले ये भी चीज भाई कंफर्म हो चुका है। मैंने भले ही अपने चैनल के ऊपर दो वीडियो रोमन रेंस के फेवर में बनाया था पर वो जो था वो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। इन रियलिटी रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 के अंदर हारने वाला डब्ल्यू वाले भाई इसे किस तरीके से प्रेजेंट करने वाले इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। मतलब मैं आपको एक्जेक्टली रेसलमेनिया 40 का एंडिंग बताने वाला भाई। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो भाई सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यार कोडी रोड्स भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर भाई ऐसे नहीं हारने वाला डब्ल्यू वाले भाई एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रेजेंटेशन कोडी रोड्स को देने वाला है। मैं आपको क्लियर तरीके से बता देता हूं भाई इससे बड़ा प्रेजेंटेशन आज तक रेसलिंग हिस्ट्री के अंदर कभी भी कोई रेसलर को दिया नहीं गया। कोडी रोड्स भाई आज के टाइम पर भी रोमन रेंस के सामने एक अंडर रेटेड रेसलर है। इसलिए भाई डब्ल्यू वाले भाई कोडी रोड्स को इतना महान दिखा रहे ताकि वो रोमन रेंस के बराबरी में आ सके। लगातार दो रॉयल रंबल विन करवाना, ब्रॉक लेसनर को हराना, सेथ रॉलिंस को हराना। अब भाई कोडी रोड्स जब रेसलमेनिया 40 के अंदर अपना स्टोरी को फिनिश करेंगे तो इनको एक बहुत बड़ा हीरो दिखाया जाएगा। भाई एक्जेक्टली जो रेसलमेनिया 40 का जो भाई एंडिंग प्लानिंग है भाई वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वैसे अगर आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा है कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 के अंदर विन नहीं करने वाला तो भाई ये गलती आपका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई जितना ड्रामा दिखा चुके, जितना कोडी रोड्स को भाई ऑडियंस के सामने पिटवा चुके भाई, इसका मतलब ये कंफर्म है कि कोडी रोड्स ही विन करने वाले। इसलिए मंडे नाइट रॉ को कोडी रोड्स भाई रॉक से इसलिए पिटे ताकि ऑडियंस और भी ज्यादा कोडी रोड्स को लेकर भाई इमोशनल हो सके। रोमन रेंस को भाई हराना कोई बच्चा का खेल नहीं हो, जो भी रेसलर रोमन रेंस को हराएगा पूरे लाइफ टाइम का सबसे बड़ा उसका अचीवमेंट होगा। इतना बड़ा अचीवमेंट अगर डब्ल्यू वाले किसी भी रेसलर को दे रहे मतलब वो रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर बनने वाला है। सबसे बड़ी बात जब कोडी रोड्स चैंपियन बने उस टाइम पर भाई ऑडियंस कोडी रोड्स को एक्नॉलेज करी है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले के लिए भाई सबसे बड़ा सवाल। इसलिए भाई उससे पहले कोडी रोड्स को इतना बिग दिखाया जा रहा, रॉक आकर उसको मार रहे, रोमन रेंस उसका इंसल्ट कर रहे हैं ताकि भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑडियंस भाई उनके अंदर भाई एक बदले का भावना आ सके। जब रेसलमेनिया के अंदर जब कोडी रोड्स मैच रेसल करेंगे तो वो मैच कोडी रोड्स नहीं रेसल कर रहे, वो मैच आप रेसल कर रहे हैं। जब रेसलमेनिया के अंदर जब कोडी रोड्स विन करे तो ऐसा आपको फील हो कि आप विन कर रहे, कोडी रोड्स नहीं विन कर रहे। एक्जेक्टली इसी बात को भाई कोडी रोड्स ने मेंशन किया था कि ये फाइट मेरा नहीं, ये फाइट आपका, आप सबका फाइट है। तो आप लोग समझ गए होंगे भाई कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 के अंदर विन करने वाला, ऑडियंस उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। भाई इस सपोर्ट को लाने के लिए भाई डब्ल्यू वाले एक स्टेप भाई और ज्यादा ऊपर बढ़ चुकी है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट भाई डब्ल्यू वाले अंडरटेकर, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और जॉन सीना तीनों को बुलाने वाले रेसलमेनिया के सेकंड नाइट को। आप लोग बस ज़ूम करो, एक साइड से भाई सारे ब्लडलाइन फ्रैक्चर रहने वाले, एक साइड से स्टोन कोल्ड जॉन सीना अंडरटेकर रहने वाले। उसके बाद भाई आपको रॉक का भी हिल टर्न देखने को मिलेगा रोमन रेंस के ऊपर। आप लोग बस भाई ये फोटो देख लो, ये फोटो ही सारा चीज को कंफर्म कर देगा कि सारे लोग मिलकर भाई रोमन रेंस को हरवाएंगे। जॉन सीना और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को लेकर भाई मैं इस बात को लेकर कंफर्म हूं कि ये दोनों इस मैच के अंदर इन्वॉल्व होने वाले। जहां बात आता है भाई जिमी उसो का, तो भाई जिमी उसो रोमन रेंस को धोखा देकर जे उसो के पास चले जाएंगे। भाई मैं आपको कितना बार बता चुका हूं भाई जिमी उसो को भाई ब्लडलाइन के अंदर कोई भी बंदा पसंद नहीं करता, या तो जे जिमी के पास जाने वाले या फिर भाई जिमी उसो जे उसो के पास जाने वाले। ये चीज मैं आपको 100% कंफर्म बता रहा हूं। मुझे ज्यादा चांसेस ये लग रहा है कि जिमी उसो शायद से जे उसो के पास जा सकते हैं। वैसे जहां पॉल हेमन का बात आता है या फिर सोलो सिकोवा का बात आता है तो भाई सोलो सिकोवा रोमन रेंस के साथ रहने वाला, ये चीज मैं अभी से कंफर्म हूं। क्योंकि भाई सोलो सिकोवा को भाई कभी भी रोमन रेंस का टाइटल नहीं चाहिए था, सोलो सिकोवा को हमेशा से ट्राइबल चीफ बनना था। आप लोगों ने बहुत सारा ऐसा फोटो देखा होगा जिसके अंदर भाई सोलो सिकोवा रोमन रेंस के चैंपियंस बेल्ट की तरफ नहीं देखता था, उनका उला फाला माला की तरफ देखता था। तो जहां तक मेरा ख्याल है भाई सोलो सिकोवा भाई रोमन रेंस को शायद से अभी करंट टाइम के लिए मतलब धोखा नहीं देने वाला। हां भाई जो नजारा भाई एक्जेक्टली यही नजारा रहने वाला है, सारे लेजेंड मिलकर भाई यहां पर कोडी रोड्स को विन करवाएंगे। यहां पर से भाई जब इतने लेजेंड का भाई जब सपोर्ट रहेगा तो भाई यहां पर कोडी रोड्स एक नया हीरो बनकर निकलेगा। आप लोग यहां पर ब्रॉक लेसनर का भी नाम ले सकते हो। रूमर ये भी कि भाई ब्लडलाइन से लड़ने के लिए ब्रॉक लेसनर भी वापस आ सकते हैं। ब्रॉक लेसनर का भाई मेरे ख्याल से एक अलग चैप्टर में उसको इसके अंदर घुसेड़ने नहीं वाला भैया। हां रेसलमेनिया 40 के लिए भाई डब्ल्यू वाले ने पूरा जुगाड़ कर लिया, सारे लेजेंड को भाई बुला लिया और इस तरीके से भाई डब्ल्यू वाले कोडी रोड्स को एक नया हीरो प्रेजेंट करेगी रोमन रेंस के साथ। भाई अब सिर्फ 9 दिन बचा हुआ है, आप लोग मेरे पॉइंट से एग्री करो भाई या फिर रिजेक्ट करो, पर भाई आप लोग ट्रूथ से भाग नहीं सकते। भाई ट्रूथ यही है कि इस बार कोडी रोड्स हारने वाले, ऐसा कोई भी मीडिया सोर्सेस ने इस बात को नहीं बताया कि रोमन रेंस भी जीत सकते हैं। करीब 9 दिन बाद स्वागत करो अपने नए चैंपियन कोडी रोड्स को। भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना मत भूलना, साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से बात करना होगा सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।